हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। आई एम तरुण और मैं आज आपके साथ डील करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये संबंधित है भारतीय मानसून से, एल नीनो से और लानीना से। एल नीनो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वर्ष भारत में दस्तक देने वाला है, ऐसी संभावनाएं जताई गई हैं। खैर, आने वाला समय बताएगा कि सच में क्या एल नीनो का सामना हमको करना पड़ेगा या फिर नहीं। यदि एल नीनो आया तो हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी, और लानीना आया, लानीना की संभावना तो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, क्योंकि जब एल नीनो आएगा तो लानीना नहीं आ सकती। मतलब एक ही मयान में दो तलवार नहीं हो सकते, या तो लानीना या तो एल नीनो, या तो दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस बार संभावनाएं जताई जा रही है कि एल नीनो आ सकता है। ये क्या है एल नीनो, किस प्रकार से भारतीय मानसून पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, और वो क्या फैक्टर है, कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा हमारे पास हथियार है जिसके माध्यम से हम एल नीनो को कवर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आज के इस लेक्चर में। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आज का जो लेक्चर होगा पूरा कंसेप्चुअल होगा मेन तरीके से, क्योंकि सीरीज का ही नाम है मेंस कंसेप्चुअल सीरीज, और यहां पर रिटर्न वर्क मैं बहुत कम करूंगा क्योंकि मेंस समझने का कार्य है। आप समझिएगा, थ्योरीज एंड ऑल बहुत सारी चीजें ऑलरेडी तुमको किताबों में बुक्स में मिल जाएंगी, बट आप पढ़ पढ़ के भी उसको नहीं समझ पाएंगे अनलेस जब तक आपको कोई अच्छे से उसको समझा ना पाए। तो यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए और चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं, ये दोनों क्या चीजें होती हैं। उसके पहले आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं वर्ल्ड मैप, यानी कि हमारे संसार का जो मैप होता है उसकी तरफ। अमूनन जब हम देखते हैं वर्ल्ड मैप तो हमको कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, इस प्रकार से दिखता है, जैसे कि आपका साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, हमारा देश भारत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही दिखता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इस प्रकार से मैंने कर दिया। बोले सर क्या बात कर रहे हो सर, आपने तो पूरा मैप ही बदल दिया सर, है मतलब पढ़ाने करके आप तो सीधा सीधा मैप को ही चेंज कर दे रहे हो, तो गलत बात है ना। बट ऐसा नहीं बेटा, ये कुछ नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है यार, तुम ऐसा कोई सा भी बॉटल ले लो, ठीक है क्या। अब देखो अभी तुमको क्या नजर आ रहा है, ये दोनों के दोनों एक ही जगह चिपके हुए हैं। पृथ्वी भी हमारी ऐसी है, मतलब यार कुछ नहीं है। जैसे यहां पर जो नजर आ रहा है ना, इधर देखो ध्यान से, ये पोर्शन जैसे जहां पर एंड हुआ, ये हवाई जहां पर एंड हुआ, तो हवाई से बिल्कुल लगा हुआ तुम्हारा इधर जापान है, ज्यादा दूर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जापान और इनके बीच एकदम लंबा डिस्टेंस है। ये देखो अभी तुमको प्रूफ करके दिखाता हूं मैं, हमारी जो पृथ्वी है कुछ इस प्रकार की रहेगी। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे ही गोलाकार है। अब भाई मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये मैंने ऐसे कर दिया, ये देखो ये मैंने ऐसे कर दिया। अब तुमको क्या लगेगा कि ये और ये दोनों एकदम दूर पे है, बट एक्चुअली ऐसे नहीं है ना, पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी के ऐसे ऐसे गोल है। अब जब गोल हो जाएगा तो देखो दोनों एक साथ आ जाएगा यहां पर, बस। अब मैं ज्यादा इस पर समय नहीं लूंगा क्योंकि कई बार मैंने अपने शेयर्स में ऑलरेडी बता दिया है, तो मेरे ख्याल से मैं जहां तक समझाना चाहता हूं, पहुंचाना चाहता हूं, वहां तक आप पहुंच गए होंगे कि भाई साहब पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी जो है गोल है। इसका मतलब ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के राइट साइड में होना चाहिए अगर इधर से देखूं तो अफ्रीका, और अफ्रीका के राइट में क्या होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। क्या अभी भी वैसा है? जी हाँ बिल्कुल है सर। ये देखिए है ना, अमेरिका का यानी कि साउथ अमेरिका का राइट साइड तुमको अफ्रीका मिल जाएगा इधर, ठीक है, और इस अफ्रीका के राइट में क्या मिल रहा है तुमको, यहां पर ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है। बिल्कुल वैसा ही है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस इसको मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया पृथ्वी को। आप भी घुमाओगे तो कुछ ऐसा नजर आ जाएगा। घुमाया इसलिए गया है क्योंकि कहानी जो होगी वो इन दोनों के बीच होने वाली है, दक्षिण अमेरिका और भारत। क्या कहानी होगी सर, जल्दी बताइए, हमको पनवेल निकलना है। आइए, तो आपके पनवेल निकलने से पहले मैं यहां पर कहानी बता दूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है ये, इस लाइन को हम लोग जानते हैं भूमध्य रेखा, थोड़ा तिरछा बन गया, कोई दिक्कत नहीं सर, सीधा बना लेते हैं। चलिए यहां पर एक लाइन आपको नजर आएंगी, अब ठीक, इस लाइन को हम लोग जानते हैं भूमध्य रेखा, क्या बोलेंगे जी इसको, भूमध्य मतलब इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है क्या यार। ये जो इक्वेटर है ना, ये बड़ा ही खतरनाक गेम खेलता है। कैसे खेलता है आइए बताता हूं आपको यार। यहां पर आप लोगों को ना एक गोला देखने को मिलेगा यार, समझिएगा, पृथ्वी एक गोला है मान लीजिए, स्फीयर है। अब भाई साहब यहां से मैं क्या करता हूं, एक लाइन मैंने यहां से ड्रॉ कर दी, यही इक्वेटर वाली लाइन है, और कई बार मैंने अपने सेशन में बताया भी है कि एक प्रभाव, एक बल होता है जिसको कोरियोलिस बल के रूप में हम जानते हैं। यहां पर क्या होगा कि कोई जलधारा अगर इस ओर आ रही है तो ये इधर शिफ्ट हो जाती है अपने दाहिने तरफ, और कोई जलधारा इधर आ रही है तो इस ओर शिफ्ट हो जाती है अपने लेफ्ट साइड में।
दक्षिण से अगर उत्तर जाएगी तो कौन सी दिशा में, अपने दाहिने साइड यानी कि राइट साइड में, और उत्तर से दक्षिण की ओर आएगी यानी कि नॉर्थ से साउथ आएगी तो अपने लेफ्ट साइड में। ये कोरियोलिस बल होता है। क्या होगा कि हर जगह आपको नए नए या अलग अलग कंसेप्ट सुनने को मिलेंगे, जो पहली बार पढ़ोगे उनको तो सच में पहली बार मिलेगा। और भाई सब कंसेप्ट अपने आप में ऐसे है कि ना सब एक एक घंटे के टॉपिक्स हैं। मतलब कोरियोलिस बल पढ़ाऊंगा तो वो एक घंटे लगेगा, फिर मैं आपको वो जो अभी क्या बोलते हैं पृथ्वी का जो बताया ना कि डायरेक्शंस वाला बताया, मतलब लास्ट और एंड दोनों साथ में आके मिलता है, उसमें एक घंटे लगेगा। तो सब अपने अलग अलग टॉपिक है, ऑलरेडी हमने इस पर कई वीडियोस बनाए हुए। आज का जो टॉपिक है वो है एलनिनो, तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान होगा एलनिनो पर। राइट, आइए तो समझते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं कोरियोलिस बल। क्या बोलते हैं अपन? कोरियोलिस बल। इन सब चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चलना है। लिखते चलिएगा आप लोग क्या क्या चीजें हैं। तो कोरियोलिस बल के कारण क्या होगा कि यहां से आने वाली जलधारा तुम्हारे राइट साइड यानी कि दाहिनी तरफ, या फिर यू कहें अपने राइट हैंड में, ठीक है, और इधर से आने वाली जलधारा जो रहेगी लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ मुड़ जाती है। अब आइए एक और चीज, आपने पढ़ा होगा जलधारा, तो बहुत सारी जलधाराएं यहां पर आपको देखने को मिलेगी। उनमें से एक महत्वपूर्ण जलधारा मेरे दोस्तों जिसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट करंट कहा जाता है, कुछ इस प्रकार से निकलती है, याद रखना। क्या बोलते हैं अपन इसको? पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट करंट कहा जाता है। इनका जो नेचर होता है, याद रखना, इनका जो नेचर मतलब इनकी जो क्वालिटी रहेगी, इनका जो गुण रहता है वो कैसे रहता है, ये होती है एक्चुअल में ठंडी जलधारा। जलधाराएं दो प्रकार से होंगी मेरे दोस्तों, याद रखना। व्यापम के बच्चे यदि आप लोग देख रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा, पीएससी में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन व्यापम में हम देखते हैं अगर जलधारा भूमध्य रेखा के आसपास निकले, मतलब 99% चांस है कि वो गर्म जलधारा रहेगी भूमध्य रेखा के आसपास। देखो भूमध्य रेखा कहां पर था? भूमध्य रेखा तुम्हारा ये इधर था, बट भूमध्य रेखा से नहीं, ये इधर से निकल रही है और ऐसे ऊपर आ रही है, तो भूमध्य रेखा से तो कोसों दूर है। अगर ये इस प्रकार से ऐसे जाती, यहां से निकलती, ओरिजिन अगर वहां से होता तब इस चांसेस होता 99% की गर्म होती, लेकिन ये नीचे से आ रही है इसलिए ये ठंडी जलधारा होगी। हाँ, यहां जाते 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 धीरे धीरे इसकी गर्मी जरूर बढ़ेगी, डेफिनेटली यार, ऑफ कोर्स है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गर्मी ज्यादा रहती है, इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा रहती है, तो एकदम है, ठीक है। तो यहां से जब निकलेगी तो ठंडी रहेगी, धीरे 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 आते 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 क्या हो जाती है, थोड़ी सी गर्म होने लगती है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है मैं पहले बताता हूं, उसके बाद हम एलनिनो और लानिना की बातें करेंगे। जलधारा जो रहती है ना बेटा, ये गोल गोल घूमते हैं, ये सर्कुलेशन होते रहता है ऐसे इन लोगों का, समझिएगा, ये इधर चली फिर ये इधर आएगी फिर इधर ऐसा ये सर्कुलेशन होते रहते पूरे साल भर होता है। मतलब यहां से जब निकलता है यहां तक आता है ना, इसको 4-5 महीने लगते हैं, हाफ महीने लगते हैं, फिर यहां से वापस जाने में फिर उसको पूरा समय लग जाता है। मतलब ये पूरा साल भर क्या करते रहते हैं, गोल गोल ऐसा ऐसा घूमते रहते हैं, ठीक है। यहां पर इसको कुछ और नाम दे देते हैं, यहां पर कुछ और नाम दे देते हैं। अब इतना समझना कि ये जो जलधारा है नॉर्मल कंडीशन में जब ये ठंडी रहती है, ये धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू करती है, तो कुछ हिस्सा इधर चलता है, कुछ हिस्सा इधर चलता है, जो हिस्सा इधर चलता है यहां पर बारिश कर देगा ऑस्ट्रेलिया में, जो हिस्सा यहां पर चल रहा है वो कहां पर बारिश करेगा, ये भूमध्य रेखी देशों में, जैसे कि इंडोनेशिया है तुम्हारा, आपका मलेशिया है, राइट, और भी जो अन्य जो नेशंस मिलेंगे वहां पर ये बारिश करेगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई ये अगर धरती का गोलवा है और यहां पर इक्वेटर है और कोई जलधारा इधर आ रही है ना, और अगर ये भूमध्य रेखा को पार करी तो अब ये इस ओर शिफ्ट हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। तो भाई साहब अब यहां से इन लोग इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए अगर यहां से कोई आ रही है तो इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब अब इन क्षेत्रों में क्या कर रही है, ये बारिश कर रही है। और यही कारण है कि इंडिया में जब इसकी एंट्री हो रही होती है ना, देखो इंडिया में ये एंट्री हो रही है, हमारा देश इंडिया है, तो डायरेक्शन देखिए दोस्त, ये कुछ इस प्रकार का डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आप यहां से समझिए कैसा हो रहा है, इसको मैं क्या बोलता हूं नॉर्थ, इसको मैं क्या बोलता हूं ईस्ट, इसको क्या बोलता हूं वेस्ट, और इसको क्या बोलता हूं साउथ। अब देखो कैसे आ रहा है ये इंडिया में, इस प्रकार से आ रहा है, इंडिया में घुसने की दिशा इसकी इस प्रकार से है, दिखे, और इसीलिए ये कहलाता है तुम्हारा साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, इनकी डायरेक्शन इसीलिए हो रही है क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण क्या हो रहा है, ये विक्षेपित हो रहा है, ये पहला रीजन है। दूसरा कारण क्या होता है कि भाई यहां पर ये जो क्षेत्र रहता ना, आप जरा गौर से देखिएगा जी, ये रीजन मैंने जो बताया था बस उसी रीजन को हमने फॉलो किया है। आप जरा गौर से देखिएगा, भूमध्य रेखा के पास इंडिया ही केवल एकमात्र बड़ा लैंड आपको नजर आएगा, और इसीलिए यहां पर क्या करता है, ये झमाझम बारिश करता है। और जहां पर हॉट रीजन होता है मेरे दोस्तों, याद रखना,
जहां पर हॉट रीजन होगा, जहां पर आपका गर्म स्थान होता है, वही क्षेत्र सबसे ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है, यानी कि लो प्रेशर बन जाता है। और जहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, मानसूनी पवनें उन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती हैं। ये होगी हमारी नॉर्मल कंडीशन, समझते रहिएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ कि जब यहां से पवनें निकलना शुरू हुई तो मेरे दोस्त यहां का जो प्रेशर था वो कैसा था, आपका हाई प्रेशर था। यहां का जो प्रेशर था वो कैसे था, लो प्रेशर था। याद रखिएगा, जहां पर दबाव अधिक होता है, प्रेशर हाई है मतलब यहां पर दबाव क्या है, अधिक है, और यहां पर प्रेशर लो है मतलब यहां पर दबाव कम है, और जहां पर दबाव कम रहेगा वहां पर तापमान हाई होगा, यहां पर भी तापमान क्या है तुम्हारा, हाई है। तो यार अधिक दबाव से कम दबाव की ओर हमेशा, चाहे वो पवनें हो चाहे वो जलधाराएं हो, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगे। दूसरा आप एक और चीज समझिए, अगर प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि दोनों में प्रवणता बहुत ज्यादा हुई, आप इसको कुछ उदाहरण से ऐसे समझना, यार एक ढलान है, ठीक है ना, एक ढलान कुछ इस प्रकार का है जिसमें आपने क्या किया, कुछ साइकिल वाइकल चलाया, तो आप जिस स्पीड से आएंगे, अब एक और ढलान है दोस्त, उस ढलान को मैं कुछ इस प्रकार से बनाता हूं, तो यहां पर आप साइकिल चलाएंगे तो कुछ ज्यादा स्पीड से आ जाएंगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और यदि इस ढलान को मैं थोड़ा और कम कर दूं, थोड़ा सा ऐसा लंबा ढलान कर दूं, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी और कम हो जाएगी। मतलब ढलान जितना ज्यादा होगा, प्रवणता जितनी ज्यादा होगी, स्लोप जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपको फोर्स, उतनी ज्यादा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। मतलब यहां पर प्रेशर अधिक है, यहां पर प्रेशर कम है। अगर प्रेशर कुछ ज्यादा है, प्रेशर कुछ ज्यादा कम है, मतलब मानसून कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाएगा। मतलब अब एल नीनो नहीं, ला नीना आएगी, लेकिन पहले मैं एल नीनो बताने वाला हूं। अब अगर प्रेशर यहां पर लो हो गया पहले की तुलना में, मैंने बताया कि प्रेशर हाई होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेशर लो हो जा रहा है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। अब सर ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं कि प्रेशर मान लेते हैं, मान ले रहा हूं ना इसको, आप ऐसा एग्जैक्टली होता है मत समझना, मैंने मान लिया कि भाई यहां पर 50 मिलीबार का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यहां पर कितने मिलीबार का हो रहा है सर, यहां पर हो रहा है मान लेते हैं 20 मिलीबार का, ठीक है ना, ये नॉर्मल कंडीशन थी। तो 50 और 20, ये 50 ज्यादा है 20 कम है, अब ये पवनें इधर से इधर आना शुरू करेंगी। मान लेते हैं सर कि अब ये प्रेशर कम हो गया, मान लेते हैं 30 मिलीबार हो गया, और यहां पर भी 30 मिलीबार हो गया, अब दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, अब ये जो है इधर मूव ना करके किधर मूव करेंगी, अब उत्तरी अमेरिका की ओर मूव करनी शुरू कर देंगी, एल नीनो की स्थिति है। बोले सर ये तो ठीक है, आपने बोला कि 50 से 30 मिलीबार हो गया, ओके मैंने मान लिया, क्यों हुआ ये तो बताओ। तो उसके पीछे का कारण होता है कि हर 5 या 10 वर्ष में जब धीरे 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 वाटर गर्म होते होता है ना, तो ये पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि अब यहां पर लो प्रेशर क्रिएट नहीं होता। ये एक ही बार में नहीं होता जी, ये 5 साल में या 10 साल में एक साइक्लिक घटना है, यह एक चक्रीय घटना है जो कि हर 5 या फिर 10 वर्ष में रिपीट होती है। पानी क्या हो रहा है, यहां पर धीरे 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 गर्म होता है, जैसे क्या हुआ 6 महीने में थोड़ा सा गर्म हुआ, फिर अगले 6 महीने में फिर ज्यादा गर्म होगा, फिर अगले 6 महीने में फिर ज्यादा गर्म होगा, ऐसे करके 5वें साल के आते आते प्रेशर ग्रेडियंट इतना यहां पर कम हो जाता है, यानी कि दाब प्रवणता इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि इन दोनों के बीच प्रेशर डिफरेंस बचता ही नहीं है। अपने दिमाग में एक चीज हमेशा याद रखना, प्रेशर डिफरेंस होगा, दाब में अंतर होगा, तापमान नहीं बोलूं, तापमान तो होगा ही होगा, दाब में जब अंतर होगा, प्रेशर में जब डिफरेंस होगा, तभी यहां से इधर क्या मूव करेंगी, ये पेरू वाली जलधाराएं मूव करेंगी। अगर दाब में अंतर नहीं हुआ तो फिर वो जलधाराएं अब उन दिशा की ओर मूव करनी शुरू करेंगी जहां पर प्रेशर कम है। बात समझ आ रही दोस्त, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई यहां पे कुआं हुआ तो है नहीं कि पानी इकट्ठा होगा, अब इस पानी को तो कहीं जाना पड़ेगा ना, अब जो जलधारा इधर आ रही थी वो किधर मूव करना शुरू करेगी, अब ये जलधारा मूव करना शुरू करेगी इन डायरेक्शंस में, इन दिशा में, मतलब अब बारिश यहां कर देगी, और ये क्षेत्र कैसे रह जाएगा मेरे दोस्तों, ये क्षेत्र रह जाएगा सूखा, और इस स्थिति को हम लोग जानते हैं किसके रूप में, एल नीनो के रूप में। मेरे ख्याल से कहानी समझ आ गई होगी आप लोगों को।
शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, दो घंटे ढाई घंटे का टॉपिक है, उतना लंबा हम यहाँ पर नहीं करा सकते ना, क्योंकि शॉर्ट में चीजें आपको बतानी है। तो मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि भाई नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है, उच्च दाब और निम्न दाब होता है। उच्च दाब हो रहा है मतलब वहां पर तापमान कम रहेगा। इस रूल को हमेशा याद रखना कि जहां पर प्रेशर हाई है वहां पर तापमान कम रहेगा, और जहां पर प्रेशर लो है वहां पर तापमान अधिक रहेगा। ये कंसेप्ट को आप जरूर याद रखिएगा। और ये कहां पर होता है? ये होता है केवल ओपन सिस्टम में, ओपन यानी कि खुला तंत्र में, क्योंकि प्रेशर कुकर में जस्ट उल्टा कंसेप्ट मिलेगा आपको। प्रेशर कुकर में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते चला जाता है। घरों में जो कुकर होता है ना उसी को कहते हैं प्रेशर कुकर। फिर सीटी मारता है ऐसे करके, ठीक है। तो जो ये प्रेशर कुकर का सिद्धांत है वो बंद तंत्र है, क्लोज है, वो पूरी तरीके से ढका हुआ है, इसलिए वहां पर उल्टा और नियम काम करता है, मतलब तापमान बढ़ेगा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये क्या है, पूरा ओपन है, खुला तंत्र है। तो जो खुला तंत्र है उसमें जस्ट उल्टा होता है, प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना आपका तापमान कम रहेगा, और प्रेशर जितना लो होगा उतना अधिक क्या बढ़ेगा, आपका तापमान रहेगा। इसको कुछ और उदाहरण से समझिए। जब आप गर्मी दिन में देखते हैं, गर्मी दिन में हवाएं धीरे 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 क्या होती है, ऊपर उठना शुरू होती है। जब हवा स्थल वाले से ऊपर उठना शुरू करे तब वहां पर क्या हो जाता है जी, आपका प्रेशर काफी कम हो जाता है, क्योंकि हवा तो है ही नहीं ना, बहुत कम बच गई है। हवा जो है उसकी डेंसिटी कम हो गई है, डेंसिटी कम हो गई, घनत्व कम हो गया, इसका मतलब प्रेशर लो हो गया। और उन्हीं खाली स्थानों को भरने के लिए क्या होती हैं, हाई प्रेशर वाली जो पवने हैं वो इधर चलना शुरू करती हैं। मेरे ख्याल से चीजें समझ आ गई होंगी, राइट। और इन पवनों में क्या होता है मेरे दोस्तों, इनके साथ होता है मॉइस्चर, क्योंकि ये पूरे महासागरों से होकर जाती हैं, याद रखना। कहां से होकर जा रही हैं? ये पूरे महासागरों से होकर जा रही हैं। इनके पास होता है मॉइस्चर यानी कि नमी, और इस नमी को फिर यहां पर दे देती है और होती है बारिश। इसका मतलब ये हुआ सर कि हर 5 वर्ष और 10 वर्ष में एक प्रकार की साइक्लिक घटना होती है, जिस घटना के कारण आपके जितने भी प्लवक है यानी कि प्लैंकटन्स हैं ये ऊपर आ जाते हैं, है ना, और समुद्र में मछलियों की मात्रा में आपको कमी देखने को मिलेगी, वर्षा का वितरण में आपको डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगा, अतिवृष्टि देखने को मिलेगी, सूखा हो जाने के कारण यहां पर जंगलों में आग लगने जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। इसको हम जानते हैं एल नीनो के रूप में। क्या कहते हैं अपन इसको? एल नीनो। अब सर एल नीनो आपने बता दिया, सर ला नीना भी बता देते तो बड़ी कृपा हो जाती, बिल्कुल बता देते बेटा। तो जैसे एल नीनो होता है ना वैसे ये एक बार साइकिल आपका एल नीनो कंप्लीट हुआ, अब जलधारा वापस ठंडा होना शुरू हो जाती है, और कई बार इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है, इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि भाई साहब इतना ज्यादा ठंडा होने के कारण यहां पर प्रेशर जो है जो 50 मिलीबार था वो कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, मान लेते 60 हो गया, मान लेते 70 हो गया, और यहां का प्रेशर तो वैसे ही कम है, ये तो खखाया भुखाया है ही, ये तो बोलता है भैया मैं तो वैसे ही लो हूं, मैं तो वैसे ही लो हूं, दो मुझे पानी दो। मतलब अब समझिए पहले ढाल कुछ इस प्रकार का होता था तो इतनी तेज गति से गई, अब जो ढाल है कुछ इस प्रकार का हो गया, मतलब और ज्यादा स्पीड से आएगा, और ज्यादा स्पीड और ज्यादा मात्रा में आता है, और इसलिए यहां पर ज्यादा मात्रा में बारिश कर देता है, तब हम इसको जानते हैं ला नीना के रूप में। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम कहते हैं ला नीना। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मेरे ख्याल से एल नीनो और ला नीना आप दोनों को चीजें समझ आ गई होंगी। एल नीनो आने पर हमारे यहां आता है सूखा यानी कि ड्रॉट, और अगर ला नीना आ गई तो हमारे यहां आता है फ्लड, फ्लड यानी कि बाढ़। अब एक और कंडीशन है जिसको हम लोग यहां पर समझते हैं, एक कंडीशन है जिसका नाम होता है दोस्तों, याद रखना, हिंद महासागर, इंडियन ओशन डाइपोल, जिसको आईओडी के नाम से जाना जाता है। क्या बोला मैंने? इंडियन ओशन डाइपोल, आईओडी कहा जाता है। इसके पहले एनसो भी आपको समझना होगा। व्हाट इज दिस एनसो? एनसो का मतलब होता है एल नीनो साउथ ऑस्किलेशंस, यानी कि एल नीनो और ला नीना की जो घटना है जो कि दक्षिणी क्षेत्र में होती, याद रखिएगा। और ये बार बार होता है, एक साइक्लिक फॉर्म में होता है यानी कि दोलन होता है, इसीलिए इसको जानते हैं हम लोग एल नीनो ला नीना साउथ ऑस्किलेशंस, यानी कि एल नीनो ला नीना का दक्षिणी दोलन। तो प्रश्न अगर आए कि व्हाट इज द एनसो, तो बताना कि भैया ये हर 5 या फिर 10 वर्ष में होने वाला एक चक्रीय और जलवायुवी घटनाक्रम है, प्राकृतिक घटनाक्रम है, है ना, जिसे हम एल नीनो ला नीना साउथ ऑस्किलेशन यानी कि एल नीनो ला नीना दक्षिणी दोलन के रूप में जानते हैं। ठीक, अब हम बातें करते हैं आईओडी की, यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में आपको समझाने की। यदि पॉजिटिव इंडियन डाइपोल हुआ
तो भारत के लिए अच्छा होता है, और यदि नेगेटिव इंडियन डाइपोल हुआ तो भारत के लिए नुकसानदायक होता है। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज है समझते हैं। आइए, जैसे मेरे दोस्त आपने यहां पर देखा क्या क्या चीजें देखी, आपने यहां पर देखा कि ये जो क्षेत्र है हाई प्रेशर और ये जो क्षेत्र है आपका लो प्रेशर है ना, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर यहां पर पवने चलनी शुरू करी, जलधाराएं चलनी शुरू करी। वैसे भारत में देखिए ये हमारी भारत की स्थिति है, तो यहां पर हम दो पोल ले लेते हैं, जैसे हमने मान लिया, मान लेते एक पोल ये हो गया और मान लेते एक पोल ये हो गया, ठीक है ना, ये दो पोल हो गया बेटा। तो इन दोनों के बीच भी क्या होता है, यहां पर भी आपको वाटर सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। और वाटर सर्कुलेशंस में अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर हाई प्रेशर होता है अधिक पहले से ज्यादा, तो उसको हम जानेंगे पॉजिटिव इंडियन डाइपोल के रूप में, और पॉजिटिव इंडियन डाइपोल होगा तो भारत के लिए वो जो है बारिश अधिक करेगा, और यदि नेगेटिव इंडियन डाइपोल हो गया इस केस में भारत के लिए अब वो बारिश नहीं करेगा। तब क्या होगा जी, ऐसे केसेस में जो बारिशें हैं वो इस क्षेत्र में होने लगती है, यानी कि इंडिया को छोड़ देगा और यहां पर हो जाता है। तो अगर एल नीनो आया भी, यदि एल नीनो इंडिया में आता भी है और इंडिया में है ना, यहां पर पॉजिटिव डाइपोल यदि क्रिएट हो गया तो हम जो है बच सकते हैं किसके प्रभाव से, एल नीनो के प्रभाव से। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है, आप आइए हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में, बहुत मस्त तरीके से आपको पढ़ाएंगे, एनिमेशंस दिखाएंगे, है ना। यहां पर हमने आपको कंसेप्ट सीरीज के तौर पे शॉर्ट में बताने की कोशिश करी कि किस प्रकार से एल नीनो आता है, कैसे यह भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ना सिर्फ भारत बल्कि इन क्षेत्रों के लिए भी, और विश्व मौसम जो परितंत्र है इस पर क्या क्या प्रभाव कर सकता है। मेरे ख्याल से मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को समझ आई होंगी, आप सभी ने देखा जाना सुना समझा होगा। और यस, एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि 19 तारीख को होने वाले हमारे स्कॉलरशिप जो टेस्ट है इसका हिस्सा आप जरूर बनिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑलरेडी हमारी यहां पर लाइव क्लासेस भी चल रही जिसके माध्यम से अब आपको बताया जा रहा है, और गांधी चौक बिलासपुर पर हमारा जो है एक नया सेंटर भी खुलने जा रहा है, जहां पर बहुत जल्द 25-26 जून से हमारी कक्षाएं भी प्रारंभ होगी। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, समझ आया, लाइक शेयर जरूर करिएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप लिख लेके और अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताइए, जरूर उस पर एक वीडियो जरूर हम बनाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, यानी कि कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।